बात करते हैं अगली खबर की जो हिमाचल की ऊना से सामने आ रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को 13 महीने हो गए सत्ता में आने के बाद, ये सरकार नाकामियों के ढेर को लगातार बढ़ाती जा रही है। ये बात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने ऊना में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वच्छता के मामले में चौथे स्थान से 18वें स्थान पर लुढ़क गया है। ये कांग्रेस सरकार की निकम्मी कार्यप्रणाली से ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पूर्व सरकार के समय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश के गरीब वर्ग को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया गया था, उसे भी बंद करने के तरीके खोज रही है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार इस मामले में भी ऐसे नियम बनाने में लगी है जिससे गरीब तबके को मुफ्त बिजली 125 यूनिट मिल रही है, इसे सुविधा से महरूम भी किया जा सके। कहां उपलब्धियां आगे बढ़नी चाहिए, कहां हम स्वच्छता के मामले में चौथे स्थान से 18वें स्थान के ऊपर लुढ़के हैं, ये इस बात का द्योतक है कि सरकार की कार्यशैली माननीय सुखविंदर जी की, उनकी सरकार की, उनके मंत्रियों की कार्यशैली, ये इस सर्वेक्षण से पता लगता। वर्तमान सरकार और भी नए नए कीर्तिमान स्थापित, हमारी पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार जयराम ठाकुर की सरकार ने 125 यूनिट बिजली के फ्री दिए थे, इन्होंने उसके ऊपर एक राइडर लगाया और वो राइडर लगाया है कि 4 यूनिट पर डे जो कंज्यूम नहीं करेगा उसको वो 125 यूनिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अलबत्ता चाहे उसका 125 यूनिट से कम ही खाता क्यों ना हो। अर्थात वो 125 यूनिट जो फ्री मिल रहा था उसको बंद करने का एक नुस्खा निकाला है और ये नुस्खे निकालने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और इनकी सरकार बहुत माहिर है। तो वो 125 यूनिट कैसे बंद किया जा सकता उस काम के ऊपर ये जुट गए। फिर रोजगार दे नहीं रहे, रोजगार देने वाला संस्थान बंद कर दिया। बहुत जोर से बोला था हम 1,00,000 नौकरियां पहली कैबिनेट में देंगे सरकारी नौकरियां और 5,00,000 स्वरोजगार रोजगार के प्रबंध हम करेंगे। और जो पिछले कल फैसला कैबिनेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है